नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम CVT कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो कि हमारा 132 साइड में लगा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं ये लाइन, देखिए एक हमारा फीडर है तो इसी से एक आर फेज में ये कनेक्ट होगा जंपरिंग के थ्रू। तो हम बात करेंगे आज सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं मल्टीमीटर के थ्रू। ये हमारे दोस्त हैं माइक, माइक आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे सेकेंडरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं थ्रू मल्टीमीटर। ओके माइक, या यू कैन स्टार्ट। या माइक एक्सप्लेन। दिस CVT इज 132 बार 110 वोल्ट। सिंस देयर इज 110 वोल्ट इन द सेकेंडरी साइड, द कॉइल्स विल बी लो, द कॉइल स्टैंड्स विल बी लो, सो वी विल गेट अ वैल्यू बिलो 0.5 ओनली। लेट मी चेक फॉर द 182 110। ओके विथ सीक्वेंस 182 110। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस है ये 0.5 ओम से कम होना चाहिए, जो कि आप देख रहे हैं ये सही है। ओके नेक्स्ट वन प्लीज। ये हमारा अभी चेक करेंगे 2A to 2N, जो कि हमारे तीन कोर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको CVT में। ये देखिए 0.5 से कम है, ये भी गुड है। ठीक है नेक्स्ट वन प्लीज। अब देखिए हमारा ये 3A to 3N, ये और बेहतर है, हमारा 0.5 ओम से ये भी कम ही है। तो हमारी ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस है CVT का, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर का, ये रिजल्ट विद इन लिमिट में है हमारे, इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है, ये टेस्ट पास हो गया। ओके थैंक यू।